नहीं सर यहाँ शो कर रहा है। हेलो आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। सर ये चल क्यों नहीं रहा है? यहाँ से वेटिंग दिखा रहा है, वेटिंग फॉर इंटेलिजेंस का इंस्टीट्यूट। आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए सभी लोग। आ जाइए बच्चों, नहीं शो कर रहा है, अब शो कर रहा है, बहुत सही। आ जाइए बच्चों, लिंक शेयर कर दो। अभी तक ये थोड़ा सा वो है, नहीं क्या कट रहा है एक साइड का। आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। चलिए बच्चों आ जाइए। वालेकुम सलाम। रिकनेक्टिंग क्यों शो कर रहा है? रुक जाइए बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड सेट कर लिया जाए हल्का सा। क्लियर है बच्चों? कोई बोल नहीं रहा है आज। वालेकुम असलाम, गुड इवनिंग। आज लेट कैसे सर जी? बेटा क्लास अब हमारी जो है इसी टाइमिंग, यही टाइम फिक्स हमने कर दिया है, ठीक है? क्योंकि थोड़ी सी ऑफलाइन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो टाइमिंग अब हमारी यही रहेगी, ठीक है? जब भी क्लास हम लेंगे अब इतने ही टाइम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन फाइलम, जिसका नाम है क्या? मंतशा। इकाइनो डर्मेटा। क्या नाम है? इकाइनो डर्मेटा। इकाइनो डर्मेटा की अगर हम लोग बात करें बच्चों, इकाइनो, इसकी बॉडी कैसी होती है? स्पाइनी बॉडीड एनिमल। क्या होती है? स्पाइनी बॉडी इसकी होती है, ठीक है? थोड़ा नीचे एंगल कैमरा। हाँ बेटा नीचे तो और करना पड़ेगा। चलिए जाने दीजिए, अब सेट कौन करे दोबारा से? इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। चाय वाय मत पिलाओ हमको, लेके चले जाओ। इसको हल्का सा नीचे करो बस, ठीक रहने दो। अब बताइए, अब सेट हो गया? चलिए कोई नहीं, आ जाइए पढ़ लें जैसे भी है। स्पाइनी बॉडीड एनिमल होते हैं बच्चों इकाइनोडर्मेटा, ठीक है? और आल आर आपने पढ़ा था बच्चों, गेम याद आ रहा है सबको? गेम, पीई, सी सी, आल आर मैराइन, आल आर मैराइन, और सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं बच्चों। और क्या होते हैं जी? ये एक्वेटिक होते हैं। मैराइन मीन्स समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है? फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे बच्चों, ये पाए जाएंगे मैराइन वाटर में, ठीक है? इकाइनोडर्मेटा की खास बात हम आपको बता दें, सबसे बेहतरीन चीज इसके अंदर बच्चों, इसका लार्वा जो होता है, लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा के अंदर। वालेकुम सलाम। बाइलेटरल सिमेट्री, जबकि एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है बच्चों? रेडियल सिमेट्री। क्लियर? क्लियर है बच्चों? बताइए
तो यहाँ पे खास चीज़ लार्वा और बायलेटर सिमेट्रिकल एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ पाई गई, जो इसकी हम लोग सिमेट्री बोलेंगे वो रेडियल सिमेट्री ही बोलेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था इक्का, ECC, याद है बच्चों, ECC काइनोडर्मेटा सीलेंटेटा टीनोफोरा के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी सिमेट्री बच्चों, रेडियल सिमेट्री। और आगे पढ़ते हैं, बेसिक पॉइंट बताइए बच्चों, आप लोग बताएं कि मैं लिख दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोगों के जवाब आते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी आपको बताना है बच्चों, जर्म लेयर पे कमेंट करना है। जिसने बेसिक पॉइंट नहीं सीखा वो फर्स्ट लेक्चर पढ़े, जर्म लेयर हो गया, और क्या हम लोग पढ़ते हैं, सीलोम हो गया, जर्म लेयर हो गया, लेवल ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, खैर यहाँ भी लिख दे रहे हैं सिमेट्री, ठीक, और बॉडी प्लान। अब आप लोग तो बता ही सकते हैं कि नहीं बता सकते बच्चों, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं यस, ऐसे ही आंसर आना चाहिए, लेवल ऑफ यानी सबसे एडवांस सिस्टम आएगा ऑर्गन सिस्टम, वेरी गुड। सीलोम क्या होगा बच्चों, ई सीलोमेट होंगे, या हम कहें सीलोमेट या कहें ट्रू सीलोमेट, क्लियर। जर्म लेयर क्या होगा बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होगी पेरेटी हेलमिन से लेके कॉर्डेटा तक। सिमेट्री की अगर बात करें बच्चों तो रेडियल सिमेट्री होगी, क्या होगा एडल्ट के, देखिए। अब आप कहेंगे सर ये बाइलेटरल और वो दोनों है, हमेशा जो फाइलम की सिमेट्री हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट नॉट लार्वा, क्लियर क्लियर है बच्चों। तो रेडियल सिमेट्री हम लोग जो है एडल्ट के बेसिस पे लगाते हैं। बॉडी प्लान क्या है इसका, ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। इसका मतलब इसके पास माउथ होगा, इसके पास और क्या होगा बच्चों, एनस होगा, यानी कंप्लीट, क्लियर क्लियर है बच्चों। बताइए बच्चों फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, सभी को क्लियर क्लियर। ये तो हल्की चीज है ना, मंतशा करिए सर ये तो आसान चीज़ें हैं, ये तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं, कुछ अच्छा बताइए। हम लोग इसका एक मेंबर ले ले रहे हैं स्टार फिश, स्टार फिश बिल्कुल इस तरीके से होती है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, स्टार फिश। सईद आफ्ताब आप क्या कह रहे हैं, स्टार फिश समझ लो, ये स्टार फिश है ना। स्टार फिश का जो माउथ होता है बच्चों, ये स्टार फिश, क्लियर, जो इसका माउथ होता है बच्चों, ये माउथ, ये डार्सल साइड है, जो ऊपर वाली साइड मैं दिखा रहा हूँ ये है बच्चों डार्सल साइड, क्या है डार्सल साइड। तो और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला बच्चों, ये है वेंट्रल साइड, कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड, ठीक। डॉर्सल साइड हम लोग ह्यूमन में ऐसे देखते हैं जिस पे लाइट पड़ती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिस पे लाइट पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल। अब ह्यूमन में आप कहेंगे कि सर दोनों तरफ पड़ती है, तो बैक साइड का जो हमारा पोर्शन होता है ये डॉर्सल साइड होता है, जो हमारा जो है स्टमक एब्डोमेन साइज का होता है, एब्डोमेन की साइज और चेस्ट की साइज, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेंट्रल। तो इसका जो डॉर्सल साइड में और एनस, हर ऑर्गेनिज्म का किस साइड होता है, डॉर्सल साइड होता है। तो जो ये जो पार्ट है बच्चों ये है इसका एनस, तो एनस इसका किस साइड हो गया, डॉर्सल साइड। इसका जो माउथ होता है नीचे वाली सतह पे, यहाँ हम दिखा दे रहे हैं तुमको, ये है इसका माउथ, क्लियर। माउथ इसका नीचे होगा, इस ये ऐसे है स्टार फिश, ठीक है, इसका माउथ उसके नीचे की साइड होगा। माउथ कहाँ होगा, वेंट्रल साइड में, किस साइड में बच्चों, वेंट्रल साइड में,
अच्छा ऑनलाइन वाला पॉइंट बताइए। ऑनलाइन वाला नहीं बेटा, ऑनलाइन वाला नहीं, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताएंगे जो है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। डॉर्सल साइड एनस माउथ वेंट्रल साइड में होगा, और इसके जो स्केल्टन होते हैं बच्चों, ये बने होते हैं स्पाइक्यूल्स के, किसके, इंडो स्केल्टन, इसका जो बना होता है इस तरीके से बोनी स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से बोनी स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। क्या कहते हैं बच्चों? स्पाइक्यूल्स, बोनी बोनी इंडो स्केल्टन, ठीक, स्पाइक्यूल्स के बने होते हैं, क्लियर। इंडो स्केल्टन मीन्स होता है अंदर का स्ट्रक्चर। बहुत सारे आज जनसंख्या बहुत कम है, क्यों ऐसा है बच्चों? लेक्चर शेयर करिए फटाफट सब लोग, आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन, क्या है सबको आता है क्या? आई कहाँ डर बेटा, पाना छोड़ दें हम? ओनली 6 पीपल्स आर वॉचिंग, जहाँ 30 बच्चे 25 बच्चे देखते हैं वहाँ 6 बच्चे देख रहे हैं, क्या है मतलब? सबको आता है, पढ़ाना छोड़ दें, यहीं मैं रोक दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं आगे। एक तो रिजल्ट आप लोगों के आते नहीं, उसके बाद आप लोग क्लास भी नहीं करते हैं, बिल्कुल मजाक बना के रख दिया, और उसके बाद कहोगे कि हम सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम लोग को क्या लगता है कि सिलेक्शन ऐसे ही हवा में हो जाएगा? इतना आसान है सिलेक्शन? सिलेक्शन के लिए कोई एक चीज़ नहीं, हर फैक्टर जिम्मेदार होता है सिलेक्शन के लिए। अब बाद बाद में कोई नहीं देखता है, ऑनलाइन जिसने देख लिया देख लिया, बाद में कोई नहीं देखता है, और ना किसी का मन लगता है कि पूरा लेक्चर वो देखे। ऑफलाइन कौन देखेगा यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप एक टाइम नहीं बना पा रहे अभी तक। खैर आओ, जैसे मन गया वैसे पढ़ो, फिर बाद में यही कहोगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। खुद अपना 100% नहीं दे रहे हो जो है। चलिए, स्पाइक्यूल्स बने होते हैं, बोनी इंडो स्केल्टन्स हम लोग कहते हैं, स्टार फिश का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर से आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आप देखिए, बोनी इंडो स्केल्टन इसका इस तरीके से होता है, इस तरीके से बोनी इंडो स्केल्टन इसका होता है, और इसमें मसल्स भी पाई जाती हैं जो फ्लेक्सिबल मसल होती हैं, फ्लेक्सिबल मसल होती हैं जो मोमेंट इसका कराती हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके मोमेंट में हेल्प करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, क्लियर। इस तरीके से इसका जो है स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है बताइए, डार्सल साइड में एनस है और वेंट्रल साइड में माउथ है। इसी में एक स्ट्रक्चर मैं आपको और दिखा रहा हूँ, सब लोग देखिए, ये जो है स्टार फिश है, ये है स्टार फिश, ठीक। एक स्ट्रक्चर मैं आपको और दिखाता हूँ, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है जिसको आप देखिए। इसमें एक सिस्टम पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है बच्चों, कौन बताएगा मुझे? वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है बताओ मुझे, देखते हैं कौन बताता है। वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है बच्चों? वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में, बहुत सही। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये एक स्ट्रक्चर्स होता है, ये होती हैं स्टोन सेल, नाम याद नहीं रखिएगा, स्टोन सेल होते हैं, ये होते हैं रिंग सेल, रिंग कैनाल सेल, इससे निकलते हैं रेडियल सेल, रेडियल कैनाल निकलती है, इस तरीके से रेडियल कैनाल निकलती है, ठीक है। इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को याद ना रखना नाम, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक। ये कौन सी सेल हो गई बच्चों? स्टोन सेल, ये हो गई रिंग लाइक है तो रिंग सेल, ये हो गई रेडियल सेल, इसी को हम लोग मिला के बोलते हैं वाटर, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, बस ये याद रखना, ये तुम्हारे मतलब का है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम।
वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या करता है बच्चों? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, अब इसमें क्या होगा, वाटर आ रहा है बच्चों, ये वाटर आ रहा है, वाटर इंटर किया, वाटर के साथ साथ बच्चों ये लोग इससे रिस्पायरेशन कर लेते हैं यानी गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन रिस्पायरेशन, और बच्चों दूसरा फंक्शन हेल्प्स इन लोकोमोशन, किस में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन लोकोमोशन, एंड बच्चों हेल्प्स इन फीडिंग, हेल्प्स इन फीडिंग, ठीक है, या हम कहें कैप्चरिंग, कैप्चरिंग ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, कैप्चरिंग ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म में हेल्प करता है। इसका जो माउथ होगा बच्चों वेंट्रल साइड में होगा, ये लोग वाटर वैस्कुलर सिस्टम से भी जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम से भी कैप्चर करते हैं फूड को। तो एक तो इससे वाटर कैप्चरिंग ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, क्लियर, बताइए फटाफट बताइए सभी को क्लियर हुआ या नहीं। चलिए अब यही एक करेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, डाइओशियस कंडीशन होती है, डाइओशियस कंडीशन होती है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके एग्जांपल, एग्जांपल में याद रखिएगा, लिखो एज एन इको, एज एन इको एस्टेरियास, एग्जांपल याद रखिएगा बच्चों एस्टेरियास, जिसका नाम होता है स्टार फिश, स्टार फिश एस्टेरियास, स्टार फिश एंटीडॉन, एंटीडॉन जिसको हम लोग कहते हैं सी लिली, क्या कहते हैं बच्चों सी लिली, इकाइनस, इकाइनस जिसको हम लोग बोलते हैं सी अर्चिन, ठीक है, ककुमेरिया, कुकुमेरिया सी ककम्बर, कुकुमेरिया को क्या कहते हैं बच्चों सी ककम्बर, सी ककम्बर, ओफ्यूरा को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ओफ्यूरा को बोलते हैं हम लोग ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार हम लोग बोलते हैं ओफ्यूरा को। तो ये याद रखिएगा आप लोग एज एन इको, क्या याद रखिएगा बच्चों एज एन इको, एज एन इको, एज एन इको याद रहेगा बच्चों, बताइए फटाफट। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे अभी जो है, दिमाग तो खराब कर दिए हो तुम लोग, चलिए बताइए एक एक क्वेश्चन। चलिए बताइए एप्लाइसिया, एप्लाइसिया का नाम होता है बच्चों सी हेयर, ये किसका मेंबर है बताइए आप लोग, एप्लाइसिया बताइए किसका मेंबर है। दूसरा क्वेश्चन आप ये बताए, सारे सी वाले एक साथ कर लो, ठीक है, सी पेन बताइए, सी पेन किसका मेंबर है, फोर्थ, फोर्थ कौन सा है, ठीक है, सी फाइन बताइए, सी फाइन बताइए, सब जितने हैं एक एक साइड में लिख लो सी सी वाले, ठीक है, सीफन, ओबेलिया को बोलते हैं सीफर, ठीक है, किसका मेंबर है ये सारे के सारे, सीलेंट्रेटा के मेंबर हैं, सीलेंट्रेटा के मेंबर हैं, एक जगह लिख लो, और एप्लाइसिया सी हेयर ये है मोलस्का के मेंबर, किसके मेंबर हैं बच्चों मोलस्का के मेंबर हैं, मोलस्का, मोलस्का के मेंबर हैं एप्लाइसिया सी हेयर, ठीक है, ये लिख लीजिए, और सी यहाँ से है, तो इतने सी सी से हैं, ठीक, या ये इतने सी वाले हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जब सी करके आएगा ना तो उसी में तुम लोग डूब जाओगे और मर जाओगे,
बता, एक भी नहीं पाओगे। एक जगह समराइज कर लेना सारा पॉइंट। हथनेक बन बिल्कुल नहीं कह रहा है, मूड खराब हो गया है। आओ फटाफट सब कुछ प्रॉब्लम शुरू करते हैं। क्या फटाफट बताओ भाई, हो गया हो, अगला फाइल हम शुरू करें। क्लियर? यस सर, आओ आगे आओ। अब हम लोग पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं बच्चों, आज सारे फाइल हम खत्म करते हैं, बहुत अच्छे से समझो। ये वॉर्म लाइक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? वॉर्म लाइक, वॉर्म लाइक होते हैं। हेमिकॉर्डेटा की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी बच्चों, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ये भी क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। और ये वॉर्म लाइक थे। मान लीजिए आप, ये वाटर है, ये समंदर है, ठीक है, ये मैराइन वाटर है, तो ये मैराइन वाटर के बॉटम में रहते थे। किसमें? मिट्टियों में रहते थे। ये वाटर लेवल है उसका बच्चों, ये उसकी मिट्टी हो गई, तो इसके अंदर जो है वो लोग पाए जा रहे थे। ठीक, इसके अंदर ये टनल बना लिया, ये देखिए ये टनल बना लिया यहाँ पे मिट्टियों में, ये देखिए एक टनल बना लिया, ये टनल बना के मिट्टियों में रहते थे। वॉर्म लाइक थे, मिट्टियों में रहते थे। देखिए ये हमने दिखा दिया आपको कि ये हेमिकॉर्डेटा के मेंबर पड़े हुए हैं। ठीक, ये हमने आपको दिखा दिया कि ये टनल के अंदर ये पड़े हुए हैं। अब ये लोग यहाँ रहते थे, तो भगवान जी ने कहा कि भाई साहब निकलो पानी से बाहर। बोले साहब यहीं ठीक है, हम यहीं रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे बोले कुछ खाना पीना खाओगे बाहर निकल के? तो ये बोले नहीं साहब, हम यहीं रहेंगे। तो ये लोग मिट्टी खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों? मिट्टी को खाते हैं। जब मिट्टी को खाते हैं ये लोग, तो मिट्टी में कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं, उस फूड पार्टिकल को ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी मटेरियल एक्सक्रीट कर देते हैं बाहर। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये लोग कैसे होते हैं बच्चों? वॉर्म लाइक होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, और ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। भगवान जी ने कहा कि निकलो भाई बाहर, बहुत लेजी होते हैं, बहुत ही सुस्त प्राणी होते हैं। ये लोग यही अपना कहते हैं, नहीं साहब यही ठीक है। तो ये लोग क्या खाते हैं बच्चों? मिट्टी, यानी हम कहें फिल्टर फीडर हैं। फिल्टर फीडर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग मिट्टी जब खाते हैं, ठीक, मिट्टी खा के जो भोजन उसके अंदर होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंकटन एंड प्रोटोजोआ के मेंबर हो गए, प्रोटोजोआ के मेंबर हो गए छोटे छोटे, तो इन लोगों को ये लोग क्या करते हैं? खा लेते हैं। ठीक, अब भगवान जी बोले कि अब क्या करोगे? एक्सक्रीशन के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। बोले नहीं साहब, हम यहीं रह लेंगे। बोले कि एक्सक्रीशन के लिए निकलो बाहर। बोले नहीं, ये अपनी टेल को थोड़ा सा पीछे करते हैं। अपनी टेल को कहाँ किया बच्चों? ये धीरे धीरे पीछे किया और यहाँ पे आके एक्सक्रीशन कर दिया। ये अपनी टेल को पीछे किया, इसने कास्टिंग बना ली। क्या बना दिया बच्चों? वॉर्म कास्टिंग। क्योंकि मिट्टी खा रहे हैं, तो मिट्टी ही पॉट्टी में गिराएंगे, तो जाहिर सी बात है क्या बनाएंगे? वॉर्म कास्टिंग है कि नहीं बच्चों? नहीं समझ रहे हो? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये वॉर्म कास्टिंग बना लेते हैं। बोले ठीक है साहब। अब भगवान जी बोले, अरे अब तो बाहर निकल जाओ। बोले साहब यही ठीक है हम। बोले रिप्रोडक्शन करने के लिए तो बाहर निकलोगे, तो रिप्रोडक्शन ये कैसे करेंगे? भगवान जी ने कहा कि भाई साहब निकलिए बाहर। बोले साहब यही ठीक है। बोले रिप्रोडक्शन कैसे करोगे? बोले साहब कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं? अपनी स्पर्म को रिलीज करते हैं बच्चों पानी में। ये इसका स्पर्म आ गया पानी में।
ये इसका स्पर्म पानी में आ गया, ये इसका स्पर्म पानी में आ गया, पानी में रिलीज कर दिया स्पर्म। अब फीमेल यहां से अपना एग रिलीज कर दी, फीमेल ने ये देखिए भाई साहब एग रिलीज कर दिया अपना पानी में। ये लोग मुलाकात किए आपस में, मुलाकात करने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, लार्वा बना, लार्वा से जो है अगला ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया। तो यानी फर्टिलाइजेशन की अगर आप बात करें तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। समझ रहे हो कि नहीं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और इसका लार्वा बनेगा बच्चों, टर्नेरिया लार्वा होता है, याद ना रखना आएगा नहीं, ठीक है, ये मैं बता नहीं रहा हूं इस वजह से, बस इतना बता दूं टर्नेरिया लार्वा होता है, याद ना करना। तो अगर लार्वा बन रहा है तो डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चों? डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, जहां जहां लार्वा वहां वहां डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। यस सुमैया तुम सेलेक्ट हो, 100% बता रहा हूँ, सुमैया सेलेक्ट है 2021 में, देखना सब लोग, नाम लिख लो सब लोग, नोट डाउन कर लो, ठीक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, तो समझ गए बच्चों। और इसके अंदर ये पानी आएगा, पानी ऐसे जाएगा, ये लोग रिस्पायरेशन वेशन सब गिल्स पाए जाते हैं कर लेंगे रिस्पायरेशन, ठीक। बताइए भाई क्लियर है सभी को? फटाफट बताओ मुझे, डायोशियस है, डायोशियस है और गिल्स पाया जाता है, ये पानी यहां से जाएगा, पानी यहां से बाहर निकलेगा, ये लोग इसी से अपना सांस वांस लेते रहेंगे, रिस्पायरेशन बाय गिल्स। अब आगे आते हैं हम लोग, बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं, बेसिक पॉइंट बताइए बच्चों इसका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे मैं पक चुका हूं, जल्दी से इसको खत्म करो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बार बार वही चीजें है ना, तुम लोग भी मेरे ख्याल से गुस्सा कर रहे होगे। सिमेट्री, सीलोम बताइए, सदफ, जर्म लेयर और क्या बच गया? जर्म लेयर हो गई, सीलोम हो गया, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान, क्लियर है बच्चों? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, गुस्सा बहुत आ रही है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री कौन सी होगी बच्चों? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे ये लोग, बाइलेटरल सिमेट्री। सीलोम कैसा होगा? यूसीलोमेट होंगे, ए स्क्वायर महक, यूसीलोमेट होंगे बच्चों। जर्म लेयर जो होगी ये क्या होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन यहाँ पे डेवलप होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, और बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। ये बहुत आसान पॉइंट था। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, इसकी जो बॉडी होती है बच्चों तीन पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये लोग इसी प्रोबोसिस से टनल बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों? टनल बनाते हैं, टनल बना के ये लोग ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं ज़मीन के अंदर, इसी वजह से इसी से रहते हैं। और सर्कुलेशन की बात आती है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन जो होता है इसमें बच्चों ओपन सर्कुलेशन गिल्स के थ्रू ही हो जाता था, यहाँ पे ओपन कॉर्डेटा के अंदर पहले रखा गया था, कॉर्डेटा से निकाल दिया गया, हेमी कॉर्डेटा क्यों निकाला गया था? क्योंकि इसके अंदर बच्चों रॉड लाइक स्ट्रक्चर तो पाया जा रहा था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जा रहा था, पहले लोग धोखा खा गए कि ये रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर है, लोगों ने इसका नाम कह दिया था कि नोटोकॉर्ड है। क्या है बच्चों? नोटोकॉर्ड।
लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने जब डिस्कवरी की तो कहा कि भाई नहीं, ये नोटोकार्ड जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये नोटोकार्ड नहीं है, ये स्टोमोकार्ड है। बस इतना याद रखो, क्या है, स्टोमोकार्ड। इसी की वजह से इसको वहां से निकाल दिया गया, कॉर्डेटा से अलग कर दिया गया था, ठीक है। इसी वजह से इसको वहां से क्या किया गया बच्चों, निकाल दिया गया, ठीक। इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, बैलेनोग्लोसस और साइकोग्लोसस। दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, बैलेनोग्लोसस ग्लोसस एंड साइकोग्लोसस। क्लियर बच्चों, फटाफट बताइए। अगला फाइलम हम लोग पढ़ते हैं, आज बहुत सारे फाइलम एक साथ खत्म करने हैं। क्लियर है सभी को? कोई बोल नहीं रहा है, ये लोगों को हो क्या गया है? चलिए आइए आगे, अगला फाइलम, बढ़िया फाइलम, लास्ट फाइलम, आखिरी फाइलम, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा सबसे एडवांस था। इसके सारे करेक्टर बताइएगा, लेकिन कुछ बातें हम आपको बता दें। बिल्कुल इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, आप अगर देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। माउथ है, क्या है, माउथ, ये है इसका एनस, ये क्या है, इसका माउथ, ये क्या है बच्चों, इसका, ठीक। इसमें ये जो साइड ऊपर वाली है बच्चों, इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड। क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड। ये जो नीचे वाली साइड है बच्चों, इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड में बच्चों एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर है डॉर्सल साइड में, हॉलो, हॉलो स्ट्रक्चर ये आपको दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व कॉर्ड। क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड। ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, हॉलो, 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 क्लियर। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो बिल्कुल सॉलिड, रॉड लाइक, सॉलिड, रॉड लाइक, सॉलिड, रॉड लाइक, ये क्या, रॉड लाइक है। कैसा है बच्चों, रॉड लाइक है। अगर ये रॉड लाइक है, नोटोकॉर्ड किससे डिराइव होते हैं बच्चों, मीजोडर्म से। किससे डिराइव होते हैं बच्चों, मीजोडर्म से डिराइव होते हैं, ठीक, नोटोकॉर्ड। अब आपसे अगर पूछा जाए बच्चों बताइए नोटोकॉर्ड की पोजीशन, तो आप बताएंगे एलिमेंट्री कैनाल और किसके, कि डॉर्सल साइड में या वेंट्रल साइड में। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि इन बिटवीन दी, ठीक है, इन बिटवीन दी नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्यूब, या हम कहें एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, इसके बीच में है इसकी पोजीशन। क्लियर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये बच्चों पोस्ट एनल पार्ट टेल होती है कॉर्डेटा में। गाय भैंस बिलार सुनियार सियार देखा होगा तुम, है कि नहीं, गाय भैंस बिलार बिलार, ठीक है, बुफेलो काऊ डॉगी, ये सब देखा होगा। पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट, पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट। कितने लोगों ने देखा है बताओ बच्चों, देखा है कि नहीं तुम लोगों ने, कह रहे नहीं देखा है। और यहाँ पे जो माउथ है, यहाँ पे आपको मिलेगा फेरिंग्स है, ये क्या है बच्चों, फेरिंग्स। तो गिल स्लिट्स मिलेंगे,
ये फायरिंग्स, फायरिंग्स के अंदर क्या होंगे बच्चों? गिल स्लिट्स होंगे। अब लो गिल स्लिट्स, सुमैया कह रही है कि सर गिल स्लिट्स कैसे, हमारे अंदर तो है ही नहीं। छोटे इम्रानी के स्टेज में जो है फॉर्मेशन होता है, बाद में ये डेवलप हो जाता है, ठीक है। हमारे अंदर देखो नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, नोटोकॉर्ड यही चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो इम्रानी के स्टेज में कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। बताइए ये बातें समझ में आई सबको कि नहीं आई? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, बात क्लियर है या नहीं बताइए बच्चों। क्लियर? कोई नहीं बोल रहा है? अब अगर कॉर्ड डेटा की बात हो बच्चों, कॉर्ड डेटा की नरो कॉर्ड कैसी होती है, कॉर्ड डेटा की तो आपको कैसी दिख रही है ये नरो कॉर्ड, सिंगल है या डबल? तो क्या है बच्चों? सिंगल है, ठीक। और हॉलो है या सॉलिड? हॉलो है, क्लियर। डॉर्सल है या वेंट्रल? डॉर्सल। क्या है बच्चों? डॉर्सल है, ठीक। अगर नॉन कॉर्डेट की पूछी जाए, नॉन कॉर्डेट की तो क्या हो जाएगी बच्चों? डबल, डबल सॉलिड और वेंट्रल। क्या हो जाएगी बच्चों? डबल सॉलिड और वेंट्रल। क्लियर सभी को दिख रहा है? बिल्कुल। नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट, फटाफट नोट डाउन करिए, आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सभी को क्लियर है? क्लियर है बच्चों कि नहीं क्लियर है? आइए आगे आइए, फटाफट आगे आइए। अब बेसिक पॉइंट बताइए सब लोग, बेसिक पॉइंट। लास्ट फाइलम है बेसिक पॉइंट का, इसके बाद किसी में बेसिक पॉइंट नहीं चलेगा। लेवल ऑफ, और मैं थक चुका हूँ ये बताते बताते। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ सिमेंट, देखो दिमाग वहाँ इधर उधर जा रहा है। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम है ना। अच्छा बताओ सीलोम कैसी है इसकी? यू सीलोमेट का मतलब बच्चों ट्रू सीलोमेट है ना। जर्म लेयर, जर्म लेयर बता दो ट्रिप्लोब्लास्टिक। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया, मेरा मन बिल्कुल पढ़ाने का ये वाला नहीं कह रहा। जर्म लेयर ये हो गया, सीलोम ये हो गया, बॉडी प्लान बताइए बच्चों। ये सब घिसे पीटे पॉइंट हो गए ना अब आप लोगों के लिए। बॉडी प्लान क्या है इसका? ट्यूब, विद इन ट्यूब है ना, सभी को क्लियर। और एक लास्ट पॉइंट है कौन सा? सिमेट्री, सिमेट्री बताइए आप लोग, सिमेट्री क्या होगी इसकी? सिमेट्री बाइलेटरल होगी या? अभी बताते हैं तुमको। सभी को क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट सभी को क्लियर है क्या? बहुत अच्छे। अब इसी को, कॉर्ड डेटा को डिवाइड किया गया बच्चों तीन सब फाइलम में। कॉर्ड डेटा को डिवाइड किया गया तीन सब फाइलम में। एक का नाम था बच्चों यूरो कॉर्ड डेटा, यूरो कॉर्ड डेटा, यूरो कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लियर है बच्चों? तो यूरो कॉर्डेटा और सेफेलो कॉर्डेटा को मिला कर कह दिया गया पूरा
प्रोटोकार्डेट्स, क्या कहा गया दोनों को बच्चों, प्रोटोकार्डेट, क्या कह दिया गया, प्रोटोकार्डेट। यूरोकार्डेटा का एक और नाम है, जो यूरोकार्डेटा के मेंबर होते हैं बच्चों, ये हम लोग पढ़ लेते हैं वन बाय वन। जो यूरोकार्डेटा के मेंबर होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, सेसाइल होते हैं, ये ज़्यादा मूव नहीं करते। इसमें एक बहुत ही ख़राब फीचर्स देखिए, पुराना फीचर आ गया, किसका वाला आ गया, सीलेंटेटा में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों सेसाइल होते हैं, इतना एडवांस होने के बाद पुराने फीचर्स ला रहा है। इसके अंदर इस तरीके से होल्स होते हैं जिसमें पानी इंटर करता है, इधर से जाता है, इधर से बाहर निकल जाता है। ये सेसाइल होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, सेसाइल। सेसाइल का मतलब ये लोग मूव नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। और ये लोग जो होते हैं बच्चों, ये प्रोटोकार्डेट्स जो होते हैं, ये आल आर मैराइन, ये मैराइन होते हैं, यानी ये भी मैराइन, ये भी मैराइन। तो हम लोग लिख सकते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, मैराइन ऑर्गेनिज्म है, यानी गंदे साल्टी वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें एक खास बात क्या थी, यूरोकार्डेटा होता है, इसी के ऊपर बच्चों ट्यूनिक की लेयर होती है, इस तरीके से ट्यूनिसिन की लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, ट्यूनिसिन की लेयर होती है, जिससे इसका नाम एक और पड़ जाता है ट्यूनिकेटा। क्या कहते हैं बच्चों इसको, ट्यूनिक। और मैं आपको बताऊं, जो इसके ना नोटोकार्ड होते हैं, नोटोकार्ड जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ टेल में पाए जाते हैं। मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से, इसके जो नोटोकार्ड होते हैं वो टेल में पाए जाते हैं, तो नोटोकार्ड इसके कहाँ पाए जाएंगे बच्चों, टेल में, नोटोकार्ड प्रेजेंट इन टेल, नोटोकार्ड प्रेजेंट इन टेल, कहाँ पाए जाएंगे बच्चों, टेल में पाए जाएंगे, जब इनके नोटोकॉर्ड टेल में। और एक खास बात बच्चों, इनका सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है। कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन होता है। बताइए क्लियर है सभी को, फटाफट बताएं मुझे, ठीक। इनके लार्वा में जो है नोटोकॉर्ड जो होती है बच्चों, वो कहाँ पाई जाती है, इसके लार्वा के अंदर, इसके लार्वा के अंदर, सिर्फ लार्वा में पाई जाती है बच्चों। नोटोकार्ड प्रेजेंट इन टेल, ओनली इन लार्वा, ओनली इन लार्वा। तो ये बड़े उदास रहते हैं, ये बड़े उदास रहते हैं कि मैं तो अभी मैं कोऑर्डेटा से निकाल दिया जाता, लेकिन मेरे जो है टेल के अंदर बच्चों, मेरी लार्वा के टेल में पाया गया, लार्वा की टेल में पाया गया। कहाँ पाया, क्या ढूंढ रहे हो, वही होगा ऊपर, तो उस वाले में देख लो मेरे, एक मिनट, ठीक है। लार्वा कहाँ पाया जाएगा बच्चों, उसकी टेल के अंदर पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, उसकी टेल के अंदर पाया जाएगा, यानी ये लोग वहां से निकाल दिए जाते, लेकिन ये लोग साफ साफ बच गए, ये लोग क्या हुए बच्चों, साफ साफ बच गए वहां से निकालने में। तो ये लोग बड़े उदास रहते हैं, इधर आ जाओ एहतिशाम, ये ले लो मेरे पास है। ये लोग बड़े उदास रहते हैं बच्चों, ये लोग बड़े उदास रहते हैं, ठीक है। ये लोग कैसे रहते हैं, ये लोग यहां से निकाल लिए जाते तो ये लोग बड़े उदास रहते हैं। तो इसका जो आपको याद करना है वो ऐसे याद रखना है, उदास एग्जाम्पल याद रखना है, उदास, ये लोग बड़े उदास रहते हैं, ठीक है। यू से हो जाएगा यूरोकार्डेटा, डी से हो जाएगा बच्चों डोलियोलम, डोलियोलम बोलते हैं सल्पा, एसिडिया और सल्पा, ठीक। यू से यूरोकार्डेटा याद रहेगा सबको, उदास, ये लोग याद रखना उदास बच्चों, ठीक है। यू से यूरोकार्डेटा, डोलियोलम, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। सर लैग हो रहा है, एक मिनट बच्चों, देख ले रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए, अब क्लियर हुआ बच्चों, तो याद कैसे करना है इसको, उदास से, कैसे याद करना है, उदास से कैसे याद करोगे बताओ भाई, सबको क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई बोल नहीं रहा है, बेवकूफों की तरह बैठे हुए हो सब, बताओ
जी अब एक लोगों का मैसेज आ रहा है जी, और बताओ क्लियर। चलिए सेफाइलो का और डेटा की बात करें बच्चों, तो इसमें एक खास बात होती है। देखो बोलो सेफाइलो, सर से लेके टेल तक बोलो सेफाइलो, सेफाइलो यानी सर। तो इसमें जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है हेड टू टेल पाया जाता है। क्लियर, ये खुद कह रहा है सेफाइलो, सर से लेके टेल तक। इस वाले में कहां तक था बच्चों, टेल में था। हेड टू टेल नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये लोग मैराइन होते हैं, आल आर मैराइन। क्लियर, इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा बच्चों, बाल, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस लैंसलेट। ब्रैंकियोस्टोमा बाल से याद रखिएगा, एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस और लैंसलेट। क्लियर, बाल क्या याद रखिएगा बच्चों, बाल 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 बाल। ठीक, बताइए सभी लोग क्लियर हुआ, कोई नहीं कमेंट में कर रहा है, कमेंट बॉक्स में कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, सभी को क्लियर हुआ या नहीं। कोई नहीं बोल रहा है, क्लियर है सर। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा बाल से, बाल उदास बाल, इसमें सिर्फ और सिर्फ नहीं मारेंगे बहुत। आइए इसमें आइए, अब इसके बारे में वर्टिब्रेटा, मोस्ट एडवांस्ड, सबसे एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है जो, वो है बच्चों वर्टिब्रेटा। दूसरी बात, इसके अंदर बच्चों नोटोकॉर्ड, इसके नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। किसमें बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम कैसे बनती है बच्चों, इस तरीके से वर्टिब्री अटैच होती है और इसके बीच में कार्टिलेज होते हैं। ठीक, इसके बीच में कार्टिलेज होते हैं बच्चों, जो इसको कुशन प्रोवाइड करते हैं, जो इसको टूटने से बचाते हैं। ये देखिए, अभी आपको हम दिखाते हैं बाहियां बना के। ठीक है, ये देखिए आप लोग, वर्टिब्री का स्ट्रक्चर आपको दिखा दें हम। ये है वर्टिब्री, ये है इसकी बॉडी, स्पाइन है, लेटरल, ये है जो है, और इसी के अंदर बच्चों होल होता है, ये इसी से पास होता है क्या हमारा नर्व कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड, इसी से पास होता है। ये वर्टिब्री वन बाई वन अरेंज होती है। कितनी वर्टिब्रल कॉल वर्टिब्रल बोन होती है, वर्टिब्रा कितनी होती है बच्चों, कोई नहीं बता पाएगा मुझे उम्मीद है, कौन बताएगा वर्टिब्रा कितनी होती है, बताओ इतनी हिम्मत हो। मंतशा कोई नहीं बोल रहा है, पता था, अब इधर उधर सर्च मार के बताओगे। 26 वैसे कितनी होती हैं, वैसे कितनी होती हैं नॉर्मल, 26 बनती है, 33 होती हैं। ठीक है, बाद में फ्यूज होके बचती हैं 26। चलो आओ, वर्टिब्रा है तो यहाँ पे नेचर ने हर चीज बहुत अच्छा डेवलप किया था। वर्टिब्रा के अंदर थोड़ा सा मैं और बात करूं अगर बच्चों वर्टिब्रा की, तो वर्टिब्रा मोस्ट एडवांस था, तो नेचर ने इसके अंदर हार्ट बना दिए थे बच्चों, हार्ट का डेवलपमेंट था, यानी जो ब्लड फ्लो होगा हार्ट से होगा। नेचर ने एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे किडनी बना दी थी,
एक्सक्रीशन के लिए नेचर ने किडनी बना दी थी, सर्कुलेशन के लिए नेचर ने यहाँ पे हार्ट बना दिया था, रिस्पायरेशन के लिए नेचर ने यहाँ पे लंग्स बना दिया था। तो यहाँ पे बहुत ही एडवांस यानी वर्टिब्रेटा जो थे ये बहुत ही एडवांस्ड फाइलम थे, ठीक है, इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर नेचर ने बना के तैयार कर दिया था। तो ये हमारा जो है टॉपिक कॉर्डेटा पूरा हुआ खत्म। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं पॉइंट, और दो दिन और क्लास चलेगी, ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, फिर हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों? एनसीईआरटी से रीडिंग करवा दे रहे हैं थोड़ी सी ताकि बात पूरी मुकम्मल हो जाए। आइए फटाफट, सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को अगर हो रही हो तो बता सकता है मुझसे। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक खूबसूरत सा फाइलम जिसमें आप देखेंगे दीज एनिमल्स हैव इंडो स्केल्टन। इस पे क्या होता है बच्चों? इंडो स्केल्टन ऑफ कैलकेरियस ओसाइकल्स, ठीक है, हेंस द नेम इकानोडर्मेटा और स्पाइनी बॉडीड होते हैं, ठीक, आल आर मैराइन, सभी लोग यहाँ के गंदे पानी में रहते हैं। विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, हमने पढ़ा था गेम PECC। एडल्ट इकानोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। लेकिन अगर फाइलम की सिमेट्री पूछी जाए बच्चों तो एडल्ट की जो सिमेट्री होती है वही उसकी सिमेट्री, वही फाइलम की सिमेट्री बन जाती है। क्लियर? और यहाँ पे दे आर ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल है, हम लोग पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, माउथ लोअर वेंट्रल साइड और डार्सल साइड पे, हमारी एनस किस साइड में है? डार्सल साइड में है, तो एनस मोस्टली डार्सल साइड में ही होती हैं, ठीक है। मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंडिंग सेल है, ये जो है रेडियल सेल है। ये कौन से सेल है बच्चों? रेडियल सेल, ये सारी के सारी मिलके बनाती हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। पानी यहां से आया, ये इसके थ्रू रिस्पायरेशन कर लिया और इसके थ्रू मूव कर लिया, कुछ 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 करके ये लोग पानी लिया, पुछ 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 करके मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से पानी लिया और ऐसे मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, सेक्सेस सेपरेट है यानी रिप्रोडक्शुअल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब डेवलपमेंट कैसा है बच्चों? इनडायरेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टेरियास एज एन इको, मैंने क्या बताया बच्चों? एज एन इको एस्टेरियास को हम लोग बोलते हैं स्टार फिश, इकाइनस सियरचिन, एंटीडॉन सिलिली, कुकुमेरिया सी का कंबर एंड ऑफ्यूरा ब्रिस्टल स्टार, आप याद रखेगा एस्टेरियास स्टार फिश, एंटीडॉन सिलिली, इकाइनस सियरचिन, कुकुमेरिया सी का कंबर, ऑफ्यूरा ब्रिस्टल स्टार, एज एन इको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से सारी की सारी बातें क्लियर है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, फटाफट बोलते रहिए, आप लोग बोलते कम हैं। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में अगर आप देखें बच्चों ये होता है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलर, इसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक। हेमिकॉर्डेटा अर्लियर कंसिडर्ड सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से इसको भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया था बच्चों? पहले साइंटिस्ट समझ रहे थे कि रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है वो नोटोकॉर्ड है, बाद में पता चला कि वो स्टोमोकॉर्ड है, ठीक। प्लेस इन सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट में रखा, फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक एनिमल, यानी ये लोग कहाँ रहते हैं बच्चों? समंदर में, यानी जो मैराइन वाटर में ये लोग जब रहते हैं तो इस तरह से मान लीजिए पानी है, ये टनल बना के रहते हैं, कैसे बना के रहते हैं? टनल बना के रहते हैं, और बहुत लेजी एनिमल होते हैं, उसी के अंदर रहते हैं, और ये मिट्टी खाते हैं, मिट्टी में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको अंदर कर लिया, जो खराब पदार्थ है उसको बाहर कर दिया, वॉर्म कास्टिंग बना देते हैं, ठीक। दे आर बायोलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होते हैं, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, जिससे ट्रंक बनाते हैं, टनल बनाते हैं, कॉर्ड होता है एंड ट्रंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों ओपन टाइप होता है, फिर भी
सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, सही बात है। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप कहां कहां पाया गया, आप एनेलिडा की बात कर लें, कॉर्डेटा की बात कर लें, इसके अलावा और कहीं मिला ही नहीं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी हर जगह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिला। लिख लीजिएगा एनेलिडा और कॉर्डेटा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर रहते हैं, साइकोग्लोसिस इसके एग्जांपल होते हैं। क्लियर बच्चों? बताइए मुझे क्लियर है या नहीं, कमेंट बॉक्स में झमाझम रिप्लाई करिए। नहीं समझ पाए, कॉर्ड डेटा की बात करते हैं। कॉर्ड डेटा बिलोंगिंग टू द फंडामेंटल क्राइ प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाती है बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा था डॉर्सल हॉलो नैरो कॉर्ड होती है। स्ट्रक्चर्स बना के दिखाया था आपको, ये देखिए खूबसूरत सा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, डॉर्सल हॉलो नैरो कॉर्ड होती है। ये देखिए नोटोकॉर्ड जो होता है सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो नोटोकॉर्ड होता है मेसोडर्मली डिराइव्ड होते हैं। फरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं बच्चों, पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, त्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिग्लोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पोस्ट एनल पार्ट टेल होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। लेकिन मैंने आपको बताया जो है यूरोकॉर्डेटा में जो है कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। अब यहाँ पे ये हम लोग समझ लेते हैं टेबल को, वही टेबल है, आप अपने ऊपर अप्लाई करिए बेटा जी, आप अपने ऊपर अप्लाई करिए कि कॉर्डेट आप हैं तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है, डॉर्सल है, हॉलो है एंड सिंगल है। फायरिंग्स परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा। आपका हार्ट किस साइड में बच्चों? आपका हार्ट वेंट्रल साइड में है। डॉर्सल साइड पीछे के पोर्शन को कहते हैं जिस पे लाइट पड़ती है, लेकिन हमारे में दोनों पे लाइट पड़ती है, लेकिन पीछे बैक साइड में आपका जो है वर्टिब्रल कॉलम भी है। पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होती है, क्लियर। अब यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, यही पूछा जाएगा बच्चों, यही पूछा जाएगा तुमसे। वो तुमसे कहेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, सॉलिड है, डबल है, कह देना गलत। कहेगा आपसे कि वेंट्रल है, सिंगल हॉलो है, डबल है, कहना गलत। कहेगा कि वेंट्रल है, सॉलिड है, सिंगल है, कहना गलत। वेंट्रल है, सॉलिड है, डबल है, अब सही हुआ। तो यही तुमको घुमा सकता है, और तुमको किसी चीज में वो घुमा नहीं सकता। तुमको घुमाएगा तुम उसको उल्टे घुमा देना, हाँ और क्या। आ जाओ फटाफट समझ लो, सारे पॉइंट क्लियर हैं बच्चों। अभी हमने बताया था आपको इसके तीन सब फाइलम होते हैं, तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया बच्चों इसको। सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के क्या कहा गया? प्रोटोकॉर्डेट कहा गया, प्रोटोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या रखा गया था बच्चों? ट्यूनिकेटा, बिकॉज इसके ऊपर ट्यूनिक की लेयर पाई जाती थी। ट्यूनिक लेयर प्रेजेंट होने की वजह से दूसरा नाम इसका क्या रख दिया गया? ट्यूनिकेटा रख दिया गया। यूरोकॉर्डेटा बड़ा उदास रहता है, उदास इस वजह से रहता है बच्चों क्योंकि इसका जो नोटोकॉर्ड होता है डेटा आर ऑफन रिफर टू एज द प्रोटोकॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं ये बच्चों। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल, मार्क करिए इसको, चढ़ जाइए इसके ऊपर बच्चों, लार्वल टेल। वाइल सेफेलोकॉर्डेट सर से लेके टेल तक, सर से लेके टेल तक, हेड टू टेल रीजन प्रेजेंट थ्रू आउट दियर लाइफ, इसकी पूरी लाइफ में पाया जाता है। तो ये बच्चों बिल्कुल क्लियर रहे, सेफाइलो सर से लेके टेल तक, यूरो टेल में सिर्फ, क्लियर। अब इसके एग्जांपल की अगर बात करें बच्चों, यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल आप कैसे याद करेंगे बच्चों? क्या बताया आपको? उदास बताया ना, बड़े उदास रहते हैं ये डोलियोलम एसिडिया सल्फा। और इस वाले को हम लोग सेफाइलो के, बताइए क्या बताया तुमको? बाल, बाल याद रखिएगा, बाल, बी एल, बाल, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट एक ही नाम है, ये तीनों नाम एक हैं बच्चों, ये तीनों नाम एक हैं, तीनों नाम एक हैं, एक ना बता देना बच्चों, तीनों नाम एक हैं, क्लियर। अब आते हैं मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अगर बात करें बच्चों, तो वर्टिब्रेटा में आप बहुत ही खास बात देखने को मिलेगी आपको। यहाँ सबसे एडवांस था ये, जब सबसे एडवांस है बच्चों, मोस्ट एडवांस्ड,
मोस्ट एडवांस्ड, जब ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है तो नेचर ने कहा कि ठीक है भैया तुम्हारे अंदर सब कुछ हाईली डेवलप कर दे रहे हैं। इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए किडनी बना दी गई, इसके अंदर सर्कुलेशन के लिए हार्ट बना दिया गया, इसके अंदर रिस्पायरेशन के लिए लंग्स बना दिया, ठीक है, कुल के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर गिल्स बना दिया। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे कि इसके पास नोटोकॉर्ड होता है बच्चों ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वही एम्ब्रियोनिक पीरियड में उसके बाद रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में इन द एडल्ट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। वैसे ही यहां भी है कि All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate. Besides this basic chordate character, vertebrates have a ventral muscular heart. हमारा heart कैसा होता है? कुछ में बच्चों two chamber heart होता है। Two chamber जो heart होता है वो होता है बच्चों fish के अंदर, आपको fish के अंदर दिखेगा। Three chamber heart आपको जो है amphibians में देखने को मिलेगा बच्चों। Four chamber heart आपको जो है देखने को मिलेगा बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर, और क्रोकोडाइल के अंदर। इसके अलावा एक जगह और आपको देखने को मिलेगा थ्री चैम्बर हार्ट रेप्टाइलिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एलिगेटर घड़ियाल, घड़ियाल के नाम सुना, उसमें चार चैम्बर हार्ट होता है बर्ड और मैमल। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? ठीक, इसके अंदर किडनी बनाई नेचर ने क्योंकि हाईली डेवलप है, सबसे एडवांस्ड लास्ट फाइलम पढ़ रहे हैं, सबसे एडवांस है बच्चों जिसका नाम वर्टिब्रेटा है, तो जाहिर सी बात है सब कुछ डेवलप होगा। अब हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा दे रहे हैं फटाफट, बताइए सबको क्लियर है? याद रहेगा बेटा, भूल जाएगा तो दौड़ा लेना। अब हम लोग वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया था दो पार्ट में, आज यही टेबल पढ़ेंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे फिशेज, सारी के सारी फिश कल खत्म करते हैं। वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों, एक गनेथा यानी लैक जा जिसके पास जा नहीं था, और गनेथोस्टोमेटा जिसके पास जा था, जिसके पास क्या था बच्चों, जा था। इसमें भी दो क्लास आई, पीसेस को अलग कर दिया, पीसेस का मतलब जिसके पास फिंस थे, ठीक। टेट्रापोडा यानी जिसके पास चार पैर थे, हाथ पैर जोड़ के चार थे, बियर लिम्स। इसको याद रखिएगा बच्चों अलार्म से, किससे याद रखिएगा? अलार्म, सब लोग अलार्म लगा के सो रहे हो बच्चों आजकल, तो याद रखिएगा अलार्म। ए से याद रखिएगा एम्फीबियंस, एल से याद रखिएगा लिम्स होते हैं, ठीक है। ए से याद रखिएगा एविस, आर से याद रखिएगा रेप्टाइलिया, एम से होगा मैमल्स, यानी लिम्स जिसके अंदर पाए जाते हैं वो है चार, जिसको याद रखिएगा आप लोग अलार्म। याद रहेगा? बोल भैया बोलो, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? आवाजें बंद हैं। एल से क्या होगा बच्चों? लिम्स जिसके अंदर हैं। अब बचे दो बियर फिन्स, कॉन्डिक्थीस फिश और ऑस्टिक्थीस फिश, ये आपको पढ़ा देंगे हम। और एक नेथोस्टोमेटा जिसके अंदर जा नहीं है उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ये बहुत क्वेश्चन आया है कि जालस फिश का नाम बताओ, जालस फिश का नाम पेट्रोमाइजन लैम प्रे मिक्सिन हैक फिश, दो फिश होती हैं जालस फिश जिसके पास जबड़े नहीं होते हैं। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? भूलना नहीं कभी, ठीक। बायोलॉजी विद हैदर सर पढ़ लीजिए, अलार्म याद रखिएगा अलार्म। मेरे ख्याल से सारी चीजें याद हो चुकी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा, आज नहीं पढ़ाएंगे बच्चों। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डिक्थीस, ऑस्टिक्थीस, ये चार चीजें हम आपको पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, अगली क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक, समझ आएगा। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम समय पे, ठीक, ओके बाय। आज ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी दोनों में ऐसे ही पढ़ाना पड़ा, चिल्ला चिल्ला।